जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गौरव लॉज में रुके किराना व्यापारी नीलेश चौहान की लाश मिलने से तनाव बढ़ गया है। मृतक की हाथ की नस कटी हुई थी और बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से मौत हो चुकी थी। नीलेश चौहान नरसिंहपुर जिले का निवासी है और कारोबार के सिलसिले में जबलपुर आकर इसी लॉज में ठहरता था। पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर देखा तो नीलेश चौहान की लाश मिली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। गौरव लाल बलदेव में सूचना प्राप्त हुई कि सुबह से एक व्यक्ति ठहरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एक्चुअल में वो ठहरा था, लेकिन सुबह से वो अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। तो शाम को जब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो हम आकर मौके पर देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति अंदर बिस्तर पर करवट लिए हुए पड़ा है, जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो गेट तोड़कर हम लोग अंदर जाके देखा तो उसने अपने बाएं हाथ की कलाई को काट लिया था, जिससे खून बहा है और उसकी मृत्यु हो गई है। पूछताछ में पता चला कि नरसिंहपुर का रहने वाला है ये व्यक्ति, और नरसिंहपुर का रहने वाला, उसके मोबाइल से उसके घर वालों का कॉन्टैक्ट निकाल के उनसे संपर्क किया गया। उसके परिवारजन आ रहे हैं, मर्ग उसने कायम कर दिया। नाम है क्या करता था? उसका नाम नीलेश जाट है, पिताजी का नाम जितेंद्र जाट है और ये व्यापारी है। इसकी नरसिंहपुर में एक किराना दुकान है और यहाँ अक्सर व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहता है और किसी लॉज में। कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला? सुसाइड नोट अब तक नहीं मिला है इसमें। सिर्फ चाकू वगैरह इसमें, जिस चाकू से अपनी हाथ की नस काटी है वो उसी के हाथ में मिला है हमको। आगे हम जांच कर रहे हैं उसमें। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।